जी हाँ दोस्तों, पुलिस सुशील कुमार पर शिकंजा कसने के लिए बहुत ज़्यादा दावपेच खेल रही है, लेकिन उनसे भी ज़्यादा दावपेच जानता है सुशील कुमार। आप सभी को बता दें, जो कुछ भी खबरें सामने आ रही है वो सूत्रों के मुताबिक है, लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यही है दोस्तों कि सुशील कुमार पूछताछ के दौरान भी कई सारी चलाकियाँ चलता नजर आ रहा है, जिसकी वजह से पुलिस के सामने अभी तक सच नहीं आ सका है। सच जानना चाहती है गैंगस्टर से जुड़ा, क्योंकि सुशील कुमार और सागर के बीच जो कुछ भी हुआ उसका तो वीडियो मौजूद है, लेकिन जो कुछ गैंगस्टर के साथ उसका चलता आ रहा है ताल्लुकात, और इतने सारे नीरज बवाना काला के साथ उसके क्या रिश्ते रहे, क्या क्या उसने अभी तक कांड किए, क्योंकि दोस्तों जब इतने बड़े गैंगस्टर का इसने साथ दिया तो जरूर दिल्ली में कुछ ना कुछ तो बड़ा कांड किया ही होगा, दिल्ली मेरठ हरियाणा इन सब राज्यों में, लेकिन जिसके बावजूद पुलिस अभी तक पूछताछ की हुई है। लेकिन सबसे बड़ी अपडेट यह है दोस्तों कि सुशील कुमार ने अपने आप को बीते कुछ सालों में इतना मजबूत कर लिया है, उनकी फिटनेस देखकर आप दोस्तों अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने मजबूत है, लेकिन ये सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी इतने मजबूत हैं कि पुलिस के हर सवालों का जवाब इतनी सफाई से दे रहे हैं कि पुलिस भी चकमा खा रही है। उनको पता नहीं चल पा रहा है कि सुशील कुमार सच बोल रहा है या झूठ, जिसकी मदद ली है यहाँ पर मनोवैज्ञानिक की। मनोवैज्ञानिक उनके बिहेवियर, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके बोलने के तरीके से सच का पता लगाना चाहती है, लेकिन सुशील कुमार की मानसिक रूप से मजबूती को देखते हुए ही यहाँ पर ये बड़ा फैसला लिया गया है। आप सभी को बता दें दोस्तों कि किस प्रकार से सुशील कुमार इतने मानसिक रूप से मजबूत हैं, जिसकी वजह से केस इतना लंबा खिंचता चला आ रहा है, और पुलिस जहां पहले 12 दिन की रिमांड की मांग कर रही थी तो कहीं ना कहीं उन्होंने कुछ सोच समझ कर ही 12 दिन की पुलिस रिमांड की मांग की थी, लेकिन उसके बावजूद कोर्ट ने उनको सिर्फ 6 दिन की रिमांड दी। अब 6 दिन बाद दोस्तों, 6 दिन में बहुत कम ही दिन बचे हैं, जिसकी वजह से अभी तक पूरी तरीके से खुलासा नहीं हो सका है। भले ही सागर वाला वीडियो मौजूद हो, लेकिन गैंगस्टर के साथ ताल्लुकात वाला वीडियोस और उनकी तस्वीरें भी सामने आती नजर आ रही हैं, और इसी के साथ उनके सारे काले चिट्ठे खोलना चाहती है पुलिस, क्योंकि उनको रेलवे की नौकरी से सस्पेंड कर दिया गया है, दूसरी तरफ उनको WFI की तरफ से भी झटका लगने वाला है, और साथ ही साथ उनको जिस प्रकार से सभी यूथ अपना आइकॉन मानते थे अब उनके खिलाफ घृणा करने लगे हैं, लेकिन सुशील कुमार अभी भी बहुत मजबूती दिखाए हुए हैं और लगातार पुलिस के सवालों का बहुत जमकर सामना कर रहे हैं, लेकिन मनोवैज्ञानिक बहुत जल्द इनके बिहेवियर का पर्दाफाश करके रहेंगे। नेक्स्ट 9 स्पोर्ट्स की रिपोर्ट।